ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं। आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू करते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की जयंती शानदार तरीके से मनाई गई। मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू कर ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सम्मान के साथ याद किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वीपी सिंह के प्रति अपने सम्मान को जाहिर किया। राजा मांडा के नाम से मशहूर वीपी सिंह की जयंती कार्यक्रम में मशहूर स्कॉलर कांचा इलाया शेफर्ड ने बतौर चीफ के शिरकत की। उन्होंने वीपी सिंह के कामों को याद करते हुए कहा कि मैं पिछड़े वर्ग से होने के बावजूद एक क्षत्रिय को अपना हीरो मानता हूं। एंड इमेजिन मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 1980, 10 इयर्स इट वाज देयर ड्यूरिंग कांग्रेस रेजिम। And if only VP Singh was not Prime Minister for those 11 months, there would not have been any OBC reservation in India. वो OBC reservation नहीं रहता। ट्रूथ सीकर इंटरनेशनल और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ द्रविड़ियन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की और वीपी सिंह को याद किया। गिरधारी यादव ने हाल में बिहार में 65% आरक्षण पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के लिए जातिवादी कॉलेजियम सिस्टम को दोषी ठहराया। सब जानते हैं देश में जो आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने लागू किया वो कोई मामूली घटना है क्या? इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा जो राजनीतिक परिवर्तन इस देश में आया है उसका नाम सिर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। उसमें जो उच्च जाति के लोग थे बड़े गाली दे रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को, लेकिन जब EWS आया तो 10% उनको भी मिल गया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन लागू नहीं करते इस देश में EWS का आरक्षण भी 10% नहीं मिलता। ये बात सब जानते लेकिन नहीं बोलना चाहते हैं। और आपको ताज्जुब लगेगा कि जिस पिछड़े वर्ग के आरक्षण को हम लोगों को लेने में 70 साल लगे, जो स्वर्ण जाति EWS के आरक्षण को लेने में मात्र 70 घंटे लगे, पूरा देश 70 घंटे में सब दे दिया। ये अंतर है। और आप जो न्यायपालिका की बात हम लोग जो करते हैं सम्मान्य न्यायपालिका, हमको उसका कोई बात नहीं करना, उससे आशा ही रखना बेकार है। आप वो तो उसमें आशा रख के आप अपना गलती करें। हमारे पास जो अधिकार है वोट का अधिकार, उसका हम लोग उपयोग करें। वोट के अधिकार को कहिए कि जो भी आरक्षण आप देना चाहते हैं उसको 9th शेड्यूल में शामिल करिए। यदि 9th शेड्यूल में शामिल हो जाएगा तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, ये संविधान में लिखा हुआ। तो हमारे लोग जो है वो अपना काम कर लेते हैं कि चलो भाई आरक्षण दे दो, कोर्ट तो इसको खत्म कर देगा। जब बात है उसको आप आरक्षण दे रहे हैं तत्काल 9th शेड्यूल में शामिल करिए, आरक्षण दीजिए 9th शेड्यूल में शामिल करिए, कोर्ट में मैटर जाएगा नहीं। हमको क्या काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, जो देना चाहते हैं आप दलित को पिछड़ों को उसके लिए तो ये संविधान में नियम भी है लेकिन उसका आप कभी लागू नहीं करेंगे। वीपी सिंह यूं तो महज 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे थे लेकिन इतने कम वक्त में ही उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर इतिहास रच दिया था। वीपी सिंह के योगदान को सराहते हुए प्रोफेसर शेफालिका शेखर ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। आप देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर को भी बहुत लेट से भारत रत्न दिया गया और डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किया उसको वीपी सिंह समझ रहे थे कि दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, एक हाशिए तबके के लोगों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया वह इस देश में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उसको भुला नहीं सकते हैं। और आज इस कन्वेंशन के माध्यम से मैं SFD और सत्यशोधक अंतर्राष्ट्रीय को ये बात कहना चाहती हूँ कि देश भर के स्तर पर हम लोग एक सिग्नेचर कैंपेन करवाएं जिसमें हमारा मुद्दा हो कि वीपी सिंह को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जब हम वीपी सिंह को भारत रत्न दिए जाने की बात कर रहे हैं तो हम ये कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर अरविंद कुमार ने वीपी सिंह के नाम पर दिल्ली में एक राष्ट्रीय संस्थान का नामकरण करने की मांग की। मूल बात यह है कि जैसे बच्चे में हम लोग खेलते थे ना तो टॉस करते थे कि सिक्का लिए जो जीत जाएगा हेड बोलिए या टेल बोलिए। एक कहावत है कि आप हेड बोलो या टेल, जीतेंगे हम ही क्योंकि वो सिक्का मेरे बाप का है।
जो जुडिशियरी कर रही है पटना हाई कोर्ट में, इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दे रही है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ऐसा इंदिरा साहनी ने कहा है। अरे भाई, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जब EWS का 10% रिजर्वेशन आया तो बोला कि नहीं 60% हो सकता है, तो 50% कैप तो पहले ही टूट गया। इस मौके पर ट्रुथ सीकर इंटरनेशनल के फाउंडर सुनील सरदार ने बहुजन आंदोलन के आध्यात्मिक पक्ष पर जोर दिया। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वाके हृदय आप, वाके हृदय आप। शब्द बराबर धन नहीं, जो जाने सो बोल, हीरा तो दामो मिले शब्द कमोल न तोल, शब्द कमोल न तोल। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। दास कहावन कठिन है लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस गिरे तो चकना चूर, गिरे तो चकना चूर। द न्यूज बीक के संपादक सुमित चौहान ने भी बतौर वक्ता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वीपी सिंह को याद करते हुए कहा कि अगर कोई सवर्ण नेता दलित बहुजन समाज के लिए कुछ करता है तो हमारा समाज उन्हें सिर आंखों पर रखता है। और यहां मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जो सवर्ण समाज की लीडरशिप है, जो अपने आप को ऊंची जाति का मानता है और कहता है कि हम ऊंची जाति के लोग हैं, ये आपके लिए वीपी मंडल साहब और जो हमारे वीपी सिंह साहब हैं और अर्जुन सिंह जो हैं, ये उदाहरण है आपके लिए कि किसी व्यक्ति ने अगर दलित बहुजन समाज के लिए एक काम इतिहास में किया है तो हमारा समाज उन्हें अपने सिर पर बिठाता है, उनको इतनी इज्जत देता है, उनके लिए सम्मान से इतना उनको आदर सम्मान देता है, उनको याद करता है। आज वीपी सिंह को कौन याद कर रहा है? आज वीपी सिंह को हमारे लोग याद कर रहे हैं। अर्जुन सिंह को कौन याद कर रहा है? हमारे लोग याद करते हैं। इसलिए सवर्ण समाज को ये उदाहरण देखना चाहिए कि यदि वो बेहतर काम करेंगे दलित बहुजन समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे, तो वो अमर हो जाएंगे। उनको हमेशा समाज से आंखों पर रखेगा और उनको हमेशा सराहेगा कि उन्होंने न्याय का साथ दिया, उन्होंने सामाजिक न्याय का साथ दिया, उन्होंने सच का साथ दिया, उन्होंने वंचित दलित समाज के साथ जो हकमारी हो रही थी उसके खिलाफ काम किया और लोगों को उनका हक दिलाया। इसलिए आपके पास एक मौका है, जो भी सवर्ण समाज की लीडरशिप है उसके पास मौका है कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस उन्होंने किया है, उनके पुरखों ने किया है, उसको वो करेक्ट करें और अपने समाज को एक नसीहत देते हुए, अपने समाज के लिए उदाहरण पेश करते हुए अच्छे काम करें, ना कि वो जातिवार जनगणना का विरोध करें। कार्यक्रम में DMK के राज्यसभा सांसद पी विल्सन, AIOBC फेडरेशन के सेक्रेटरी करुणा निधि जी, OBC महासभा के धर्मेंद्र कुशवाहा समेत कई जाने माने वक्ताओं ने हिस्सा लिया। वीपी सिंह जैसे नायकों को उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। दिल्ली से द न्यूज बीक के लिए मोहित कुमार की रिपोर्ट। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।